बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है तलहा और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ फॉर यू। तो यार आप सबको वेलकम करता हूँ अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। तो यार ये मेरे चैनल पर फर्स्ट मोबाइल अनबॉक्सिंग है। मैं रिव्यूज तो कर लेता हूँ लेकिन डिवाइस नहीं होती, लेकिन इस वक्त मेरे पास डिवाइस अवेलेबल है, मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। तो यार आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कर दें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा अगर अच्छा हुआ है, वरना हार्ट दे दूंगा। तो यार अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वीडियो में क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आपने माफ कर देना इस मरतबा, अगली मरतबा हम दे। तो यार इसके बाद मेरी वीडियो आने वाली है रियलमी 5 प्रो के हवाले से, जो कि मैं मोबाइल मार्केट में जाकर वीडियो बनाऊंगा, उनसे सवाल जवाब करूंगा मोबाइल मार्केट से कि क्या इसकी प्राइस है, कितने में ये आ रहा है। तो चैनल को लाजमी से। तो दोस्तों यार जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स सामने है मोबाइल का इस तरह से कुछ। तो अभी मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सामने इन्होंने साइड पर स्टिकर लगाया हुआ 32 GB 2 GB वाला, तो ये वेरियंट अच्छा है लेकिन अभी हॉट 8 आ गया, उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। उसके अलावा पीछे जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है मेन वो पढ़ लेते हैं। 2.6.2 इंच का वाटर डॉप डिस्प्ले है, उसके अलावा ट्रिपल कैमरा है, उसके अलावा 4G सपोर्टेड है, फ्रंट कैमरा 8 MP का है, 3500 mAh की बैटरी है, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट की ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ही फास्ट है। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप बॉक्स को ओपन करेंगे इस तरह से आपको आपकी डिवाइस मिल जाएगी। तो डिवाइस को हम पकड़ लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसको आपने उतार देना है। उसके अलावा बैक पे भी एक स्टिकर होता है, उसको भी आपने उतार देना है। तो यार ये आप इसका जो बैक चेक करें, इतनी कमाल लग रही है। इस बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 13 MP का, 2 कैमरे जो है, 1 5 का 1 2 MP का है। तो फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी 8 MP का। अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, जितनी देर में ये ऑन होगा तो उसके अलावा हम बॉक्स में चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ हमें। तो अभी बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आपको एक जो सी टाइप की जो क्या कहते हैं डाटा केबल मिल जाती है, उसके साथ आपको अडाप्टर है, फास्ट चार्जिंग का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ये हैंड फ्री मिल जाएगी नॉर्मल, जो 50-60 रुपये की आती है, क्योंकि इतने प्राइस टैग में इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं मिलती। उसके अलावा एक ये आपको गाइड बुक मिल जाएगी, आप इसको रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, तो ये गाइड बुक आपको मिल जाती है, इसको भी साइड पे करते हैं। उसके अलावा आपको एक मिल जाता है आपका पाउच, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का। उसके अलावा इस पर सोशल मीडिया के आइकन्स बने हुए हैं। तो उसके अलावा आपको मिल जाता है ग्लास प्रोटेक्टर, जो कि एक मोबाइल पर पहले लगा हुआ और एक साथ दिया उन्होंने। तो अभी हम सिम स्लॉट की बात करें, जो कि पिन भी उन्होंने साथ दी हुई है इसमें, या पिन चेक कर सकते हैं इसमें डाली हुई है। इससे हम स्लॉट जो है ओपन करते हैं, ये जो है डबल सिम है और एक मेमोरी कार्ड है इसमें। तो अभी हम अपना जो मोबाइल फ़ोन है इसको भी चेक कर लेते हैं, ये ऑन हो गया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें ड्यूल सिम पड़ती है और एक मेमोरी कार्ड पड़ता है जो कि इसमें डाला हुआ है। तो अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा अभी मैं आपको मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपका मोबाइल फ़ोन होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शेप में है। लेकिन ये मैं थीम लगाया हुआ इसमें, तो इसमें थीम्स के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसके डिस्प्ले को दबा कर रखते हैं तो यहाँ पे एक्स थीम की ऑप्शन मिल जाती है, ये चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर इसके कैमरा रिजल्ट की बात की जाए तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेन कैमरा जो 13 MP का, उसके अलावा आपको ब्यूटी मिल जाता है, फिर बोकी इफेक्ट मिल जाता है, AR शूट मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल कमाल के इफेक्ट इसमें दिए हुए हैं आपको कैमरे में। तो ये अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको 1080p जो है रेजोल्यूशन मिल जाएगी। तो उसके अलावा अगर इसके प्रोसेसर चिप की बात की जाए तो मीडियाटेक का हीलियो A22 लगा हुआ है इसमें, जो कि इस प्राइस टैग के हवाले से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल मीडियाटेक का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो बहुत ही कमाल है। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो वो भी फुल HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर देता है, तो इसमें TikTok वगैरह इधर उधर PUBG वो हर चीज़ चल जाती है। तो बैग एक मरतबा फिर से आपको दिखा देता हूँ कितनी कमाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।